हम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 53वां होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं या डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियोज वहां पड़ी हुई हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन के आज के हम देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन आज का खुल चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1983-84 में, 1985-86 में, 1987-88 में, 1989-90 में। तो इसका जो सही जवाब है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1983-84 में हुई थी। अब यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम था, जो भूमिहीन लोगों को कम से कम 100 दिनों के लिए काम की गारंटी देता था। कितने दिनों की काम की गारंटी देता था? 100 दिनों की गारंटी देता था काम की। किनके लिए? जो भूमिहीन थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनके लिए यह रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983-84 में शुरू किया था। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1983-84 में जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनके लिए यह रोजगार गारंटी शुरू किया गया था। कम से कम 365 दिन में 100 दिनों का कार्य काम जो है, मजदूरी जो है, वो केंद्र की सरकार द्वारा दी जाएगी। केंद्र की वित्त पोषित योजना थी यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? 1986-87 में, 1989-90 में, 1991-92 में, या 1993-94 में। तो इसका जो सही जवाब है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में हुई थी। यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उसी की तरह जैसे कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, उसी की तरह था ये भी, लेकिन इसमें क्या था, यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले सभी के लिए था। वो क्या था, भूमिहीन लोगों के लिए था। उसमें 100 दिनों के लिए था, इसमें 90 से 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुआ था। ये 1989-90 इसलिए ऑप्शन में दिया गया है, जो वित्त वर्ष होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसलिए इसे 1989-90-86-87-91-92 ऐसा बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब एक सही से सुमेलित होगा, बाकी के तीन जो होंगे वो गलत होंगे। तो देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इसमें दिया हुआ है 1967-68, लेकिन जो इसका सही जवाब है वह क्या है, 1977-78। कब शुरू हुआ था, 1977-78 में शुरू हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इसमें दिया हुआ है 1978-79। और जो यह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था 1980-81 में। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था, 1989-90 दिया हुआ है, और 1989-90 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं, लेकिन उनको भी देख लेते हैं कब शुरू हुआ था। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, अभी अभी हमने पिछले तीसरे क्वेश्चन में देखा था। तो यह इसमें दिया हुआ है 1985-86, और कब शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था हमारा 83-84 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 83-84 में शुरू हुआ था, 84 में शुरू हुआ था, इसमें 85-86 दिया हुआ है, तो ये गलत है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ? ऑप्शन हमारे सामने 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006। जो इसका सही जवाब है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। कब हुई थी, 1999 में हुई थी। यह योजना जो था, स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे स्वयं सहायता समूह,
प्रशिक्षण, ऋण प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन के गरीबों के एक समग्र पैकेज है। यह गरीबों जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनके लिए यह योजना शुरुआत की गई थी 1999 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी योजना से संबंधित है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? 1993-94 में, 1996-97 में, 1999-2000 में या 2001-2002 में? इसका जो सही जवाब है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। यह योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो योजना से संबंधित क्वेश्चन है इनको आपको दो चीजें इनकी बिल्कुल आपको याद रखनी है। एक तो इसकी प्रारंभ कब हुआ और दूसरा इनका क्या याद करना है आपको, इनका उद्देश्य क्या था, ये किस लिए बनाए गए थे। यह मैं क्वेश्चन जब आ रहा है योजना से संबंधित तो मैं उद्देश्य भी बता रहा हूँ और कब शुरुआत हुई थी इसको भी बता रहा हूँ। तो आप लिखते जाइए अपने कॉपी में या ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपको लगभग लगभग याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृषि आय बीमा योजना कब शुरू किया गया था? 1997-98 में, गलत 98 यहाँ लिखना है, 1999-2000 में, 2001-2002 में या 2003-2004 में? तो कब शुरू किया गया था कृषि, एक मिनट, 1998 कब शुरू किया गया था कृषि आय बीमा योजना? जो सही जवाब है, 2003-04 में कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर कोई आपदा हो जाता है, बिजली गिर जाती है या ओला पड़ जाता है खेतों में, तो उसके लिए कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत 2003-04 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब एक सही सुमेलित होगा और तीन गलत होंगे, उन तीनों को भी देखना है उनका प्रारंभ वर्ष क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, हम चार चार योजनाओं को एक साथ देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी अभी इन क्वेश्चनों को भी हमने अलग से देखा था, अब सुमेलित रूप से पूछ रहा है, मैच द कॉलम में पूछ रहा है, इसलिए आपको और रिवाइज भी तुरंत हो जा रहा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब हुआ था? 1999-2000 में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2001-2002, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1999-2000 में, इसमें क्या दिया हुआ है, 1989-90, तो यह गलत है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेंगे 2001 में, तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए सी सही सुमेलित है, बाकी के तीन गलत हैं। फिर भी हम कृषि आय बीमा योजना, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन हमने देखा था इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर अभी अभी तो पढ़ा था 2003-04 में हुई थी, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2005 है, तो यह गलत है। कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत 2003-04 में हुई थी और इसके लिए खेतों में जो प्राकृतिक आपदा या रोगों के कारण किसी भी फसल को नष्ट होता है, फसल नष्ट होता है, तो उसके लिए कुछ सरकार द्वारा मुआवजा दी जाती थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से लागू हुई? 2 फरवरी 2006 से, 2 मार्च 2006 से, 2 अप्रैल 2006 से या 2 मई 2006 से? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 से हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी। इस योजना को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। इसका 2006-2009 तक क्या नाम था, तो नरेगा नाम था, 2009 में इसका नाम मनरेगा हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत कब मानी जाती है? 1955-56 में, 1957-58 में, 1959-60 में
या 1961 में, तो ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत 1957-58 से मानी जाती है। यह योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ग्रामीण आवास योजना के रूप में शुरू की गई थी। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। तो यह जो योजना चलाई गई थी ग्रामीण आवासीय योजना, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ही चलाई गई थी, जिसमें व्यक्तियों तथा सरकारी समितियों को प्रति आवास अधिकतम 5,000 रुपये दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे? 5,000 रुपये दिए जाते थे। तो 1957-58 में ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ हुई कब प्रारंभ हुई थी? गाँव में बिजली पहुंचाना कब शुरू किया गया था? तो 1965-66 में, 66-67 में, 69-70 में या 1970-71 में। तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 1969-70 में प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करना था। क्या था? निरंतर बिजली प्रदान करना था गांव क्षेत्रों में 1969-70 में। 1969 में और क्या हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे ना, किसी को जोड़कर, तो आपको बेहतर रूप से याद हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1965-66 में, 1969-70 में, 1972-73 में या 1974-75 में। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। यह केंद्र सरकार की योजना थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1975-76 में, 1980-81 में, 1985-86 में या 1990-91 में। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी ना, 1975-76 में हुई थी। अब यह कार्यक्रम क्या था? तो इस कार्यक्रम से गरीबी हटाने के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, वन रोपण, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम में इतने चीजों को शामिल किया गया था। इसकी शुरुआत 1975-76 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जो जो अभी हमने ऊपर योजनाएं पढ़ी थी उन्हीं के बारे में बताया जाएगा, इनका प्रारंभ वर्ष क्या था। तो चलिए देखते हैं इनको। अभी अभी हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में देखा था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो हमें तो पता है 1974-75 में हुई थी, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है 1976-77, तो गलत है। इसकी शुरुआत 1974-75 में हुई थी। ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हमें पता है 1957-58 में। इनमें भी दिया हुआ है 1957-58, तो सही सुमेलित कौन है? बी ऑप्शन सही सुमेलित है। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुआ था? तो हमें पता है 1969-70 में, लेकिन इसने गलत रूप से दिया हुआ है 1959-60, तो इसे हम गलत करेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम अभी लास्ट क्वेश्चन ही था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत हुई थी 1975-76 में, लेकिन इसमें दिया हुआ है 1980-81, तो हमें पता है 1975-76 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो बी सही सुमेलित था और बाकी के 3 सही सुमेलित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83 में प्रारंभ हुआ था। 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिससे पशुपालक आसानी से गोबर व अन्य वनस्पति पदार्थों से बायोगैस और खाद बनाकर उसे प्रयोग कर सकता था। इसकी शुरुआत 82-83 में हुई थी। और जो उनकी गाय भैंसों के गोबर होते थे और जो कचरे होते थे खेतों के घास फूस, उनको डालकर बायोगैस बनाते थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1965-66 में, 75-76 में, 1980-81 में या 1985-86 में।
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों द्वारा मकानों के निर्माण में मदद करना तथा गैर अनुसूचित जाति जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण लोगों को अनुदान मुहैया कराकर मदद करना था। पूर्ण रूप से मदद नहीं होता था आवास में, लेकिन कुछ अंश उनको घर बनाने में आवास बनाने में दिया जाता था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसको दिया जाता था? SC ST को, और अगर कोई गैर SC ST है तो वो BPL कार्ड का धारक होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1986-87 में, 1988-89 में, 1989-90-91 में या 91-92 में? तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई थी और यह भारत में स्वच्छता की पहली प्रमुख संरचित पहल थी। इसका उद्देश्य BPL आबादी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालय का निर्माण करना था। जितने भी BPL धारक थे उस समय, उनके लिए शौचालय बनवाना इसका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन पूर्ण रूप से बन नहीं पाया था। पूरा ODF फ्री जो हमारा भारत हुआ है 2019 में हुआ है, जब स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। 5 सालों का टारगेट रखा गया कि 5 सालों में सभी घरों को, सभी गांवों को ODF फ्री किया जाएगा, तब यह जाकर स्वच्छता कार्यक्रम सफल हुआ है। अभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है, इस पर कार्य अभी भी चल रहा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1985-86 में, 1988-89 में, 1991 में या 1995-96 में? तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत 1988-89 में हुआ था। कब हुआ था? 1988-89 में हुआ था, 1988-89 में हुआ था। और इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 4 रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाती थी। कितने रुपए की सरकारी सहायता? 400 रुपए की सरकारी सहायता कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत की जाती थी। इसकी शुरुआत 1988-89 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। जो अभी हमने योजनाएं को पढ़ा, उनका प्रारंभ और समय याद है कि नहीं याद है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सही सम्मिलित है, कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम जो हमें पता है, अभी हमें हमने पढ़ा था, 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इस क्वेश्चन में दिया गया 1980-81, इसलिए गलत है। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू हुआ था, इसमें 1991-90-91 दिया है, तो इसलिए गलत है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87 में बता रहा है, और हमने अभी भी पढ़ा था 86-87 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1989-90 में दिया गया हुआ है, जो कि सही जवाब है 86-87, ठीक है। 86-87 में इसकी शुरुआत हुई थी, यह गलत रूप से बताया गया है कि 1989-90 में शुरुआत हुई थी। तो सी पूर्ण रूप से सही सुमेलित है, बाकी के 3 गलत थे, उनके भी प्रारंभ वर्ष हमने देख लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1990-91 में, 1992 में या 1993 में? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 1993 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। इस ऑप्शन को आप एकदम याद रख लीजिए। इसके बाद आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम कल के वीडियो में 20 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि योजना से संबंधित होंगे। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1995-96 में, 1997-98 में, 1999-2000 में या 2001-2001 में? तो गांधी ग्राम योजना की शुरुआत 1995-96 में हुई थी। कब हुई थी? 1995-96 में हुई थी, और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांधी ग्राम योजना की शुरुआत 1995-96 में की गई थी। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे, आपने अपने नोटबुक में जो आपको इम्पोर्टेंट लगा भी होगा लिख लिया होगा, जो नहीं याद हुआ होगा वो भी लिख लिया होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारा वीडियो इतने लोगों तक पहुँच पा रहा है।
कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।